जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में वरिष्ठ पत्रकार मिलापचंद डंडिया के पत्रकारिता के 75 वर्ष पूरे होने पर भव्य अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया, राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष डॉ सीपी जोशी और वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण चंद्र छाबड़ा समेत कई वरिष्ठ पत्रकार मौजूद रहे। कार्यक्रम के संयोजक और सिविल लाइन्स विधायक गोपाल शर्मा ने मंच पर उपस्थित सभी अतिथियों के साथ 93 वर्षीय मिलापचंद डंडिया का अभिनंदन किया। इस दौरान डंडिया के पत्रकारिता जीवन पर आधारित अभिनंदन ग्रंथ का लोकार्पण भी किया गया। बजरंग सिंह शेखावत की ओर से हस्तलिखित सम्मान पत्र का वाचन वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र बोड़ा ने किया। समारोह की शुरुआत पद्मश्री उस्ताद अहमद हुसैन और उस्ताद मोहम्मद हुसैन बंधु की गणेश वंदना और मां शारदा की स्तुति से हुई। इसके बाद बीबीसी के पूर्व भारत प्रमुख संजीव श्रीवास्तव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के शुभकामना संदेश का वाचन किया। इस दौरान मिलापचंद डंडिया ने सम्मान समारोह के लिए सभी का आभार व्यक्त किया और कहा कि पत्रकारिता का धर्म है सत्य और तथ्य की खोज। उन्होंने नवोदित पत्रकारों को खोजपूर्ण और ईमानदार लेखन की सलाह दी। साथ ही अधिवक्ता मूवल ने सभी का आभार व्यक्त किया। इन्होंने इस अवसर को तलाशा जैसे पत्रकार का नाम लिखता हूं। कैमरा हमारा पत्रकारिता का हिस्सा होता है और इसके लिए अगर दो लाइन मैं सोचता हूं कि इतनी लंबी यात्रा पत्रकारिता में बिरले ही लोग को रह पाती है और उन्होंने उस समय जब एक तरह से लेखनी से लिखना और सरकारों से दुश्मनी मोल लेना जैसी स्थिति थी, लेकिन उन्होंने निडरता से अपने काम को किया और तथ्यों के आधार पर किया। ऐसा नहीं कि ऐसे ही लिख दिया, जो इन्होंने लिखा वो सब प्रमाणित हुआ और उसके कारण से एक्शन भी हुए हैं। अपने जवान दोस्तों को यही है कि भाई तन मन से लगे रहो, पत्रकार का जो धर्म है वो निभाओ। आदरणीय मिलापचंद जी ने अपनी लेखनी से सामाजिक सद्भाव और समरसता के लिए त्योहारों पर होने वाले गरबा और डांडिया नृत्यों को प्रसिद्धि दी। समरसता और एकता रहने की प्रवृत्ति का विकास वर्तमान की आवश्यकता है और इसके प्रति जागरूकता बढ़ाने और समुदाय के साथ जुड़ने और हमारे धर्म के प्रचार प्रसार और धार्मिक एकता को बल देने में आदरणीय डांडिया जी का